देश भर में भारत और पाकिस्तान के बीच आज होने वाले मैच का विरोध हो रहा है। देश भर से यह आवाज उठ रही है कि अगर युद्ध के हालात बॉर्डर पर हैं तो फिर क्रिकेट का मैच कैसे हो सकता है। 24 घंटे भी नहीं हुए जब आतंकियों ने हमारे सैनिकों पर हमला किया और हमारे दो सैनिक शहीद हो गए। आपको देश की जनता के मन की बात सुनवाते हैं, आखिर इस मुद्दे पर इनका क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं इस मैच को लेकर, आप भी सुनिए। मैच से सिपाहियों का मोरल डाउन होगा और ऐसा जब सिपाहियों का मोरल डाउन होता हो और तमाम हिंदुस्तान का सर झुकता हो तो ऐसा मैच तात्कालिक बंद करना चाहिए। मैच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। आर्मी फोर्सेस पे ये अटैक करते हैं, पहले इनको रोका जाए, बाद में इनके साथ मैच खेले जाए। इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। जो इस वक्त ग्राउंड लेवल के ऊपर जो हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के, अगर इस चीज को देखा जाए तो सीधे तौर पर पाकिस्तान जिम्मेवार है। ये जितना भी टर्मोइल यहां पर चल रहा है, जो ये फंडिंग हो रही है, जो ये हमारे आर्मी के जवान बीहेड किए जा रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की बनती है। उन लोगों के घरों में जाइए जिन लोगों के घर से किसी का बेटा, किसी का पति शहीद हुआ है, उनके घर में जाकर आपको पूछना चाहिए कि क्या मैच होना चाहिए और या नहीं होना चाहिए। ये देश की भावना है, ये देश के लोगों की भावना है, देश के लोग ये चाहते हैं। देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। चार तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली, रांची, जम्मू और आगरा की तस्वीर है। और अभी अभी जिन लोगों को आपने सुना उनमें से एक शख्स ऐसे भी थे जो कह रहे थे उन लोगों के घर जाइए जिनके परिवार से कोई शहीद हो गया है बॉर्डर पर, जो आतंकियों के शिकार हो गए हैं, उनके घर परिवार में जाकर उनसे बात कीजिए, उनको सुनिए और पूछिए क्या ऐसे वक्त में जब बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात हो तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच होना चाहिए। क्या पैसा सब कुछ है बीसीसीआई के लिए और क्रिकेटर आखिर कुछ क्यों नहीं बोलते।